नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश अभी की बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। खबर आप सभी के साथ हम साझा करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिमाचल प्रदेश की हर ताज़ा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जो है वो पूर्ण शिक्षा बंद करने का जो है ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालयों के जो शिक्षक हैं वो मंगलवार से, जबकि कॉलेजों के जो शिक्षक हैं वो 5 जुलाई से पूर्ण शिक्षा बंद करेंगे। यानी कि किसी भी तरह की पढ़ाई जो है वो कॉलेज और विश्वविद्यालय में नहीं होगी मंगलवार से, और कॉलेजों में 5 जुलाई से किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा। और ये जो हड़ताल है ये इसलिए की जा रही क्योंकि UGC पेस के लागू करने में हो रही देरी से जो है वो शिक्षक काफ़ी ज़्यादा जो है उखड़े हुए हैं, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। इससे अब क्या कुछ असर पड़ने वाला है आपको बताते चलिए। जो PG प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया रहने वाली है, जिसमें MA के जो आपके पास काउंसलिंग रहने वाली थी, इसके अलावा अन्य जो कोर्सेज थे PG के उनमें काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला था, उसमें भी अब देरी होगी। जी हाँ, उसमें भी देरी होगी क्योंकि पहले जो था वो कॉलेजों में 10 जुलाई से प्रवेश परीक्षा जो है वो शुरू होनी थी, यानी कि एडमिशन्स जो है वो होनी शुरू हो जानी थी, परंतु अब उसमें भी जो है वो देरी होगी, यानी कि एडमिशन प्रक्रिया भी देरी से होगी और सभी तरह के कार्य भी जो है वो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो है वो देरी से होंगे। तो ये पूर्ण जो शिक्षा बंद है वो कब तक रहेगी, इस बारे जो है अभी तक कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि जो है ये लागू ही रहेगी जब तक कि जो है वो सरकार UGC जो पे स्केल है उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है, उस पर जो है कोई उचित फैसला नहीं लेती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, आप लोगों के साथ साझा करना भी महत्वपूर्ण था। हमने आपको जो है वो बताया है और आपको बताते चले कि कॉलेज शिक्षकों ने 12 जून से UG अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो है वो मूल्यांकन करना भी बंद कर दिया है। यानी कि जो फाइनल ईयर के रिजल्ट है उसमें भी आपको देरी देखने को मिलने वाली है भाई, और कुल मिलाकर जो है वो सभी तरह के काम जो है वो ठप पड़ने वाले हैं। तो फाइनल ईयर का रिजल्ट भी देरी से देखने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट भी इस वजह से देरी से देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये खबर अच्छी लगी होगी, तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए, सारे वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।